क्या औकात है भारत की चीन के सामने। चीन की जीडीपी देखिए कहां पहुंच गई और आज भारत के इस गर्क में गिरा हुआ है, ये हम सब जान चुके हैं। अब इस बात को नकार तो नहीं सकते कि जीडीपी जो है वो गिर चुकी है, लेकिन किस कीमत पर चाइना इतना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या है उसकी तरक्की का राज, जरा ये जान लेंगे एक बार तो आपको अपने देश पर अपने आप गर्व महसूस होने लगेगा। फिर आप उस जीडीपी की तरफ देखना थोड़ी देर के लिए सही बंद तो कर देंगे। ये बात सही है कि हम थोड़े से दो कदम पीछे तो होकर चले हैं। ये युवाओं का देश है, इसके पास वो जील है, वो ताकत है, वो स्फूर्ति है, जो एक बार अगर जोर से सही ईमानदारी के साथ में जोश मारे तो देश की जीडीपी को इतना बड़ा पुश दे सकती है जो और कोई देश है दुनिया का वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम आपके सामने पर्दाफाश करने वाला है चीन का, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसके देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पारंपरिक मूल्यों की, एक देश के कल्चरल वैल्यूज की क्या कीमत होती है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये लोग किसी की भी सेहत की फिक्र नहीं करते। इसलिए हमें अपना और अपने परिवार की सेहत का खुद ध्यान रखना पड़ेगा और खासकर जब बात हो चीनी प्रोडक्ट्स की। तो इन्हीं बातों के बीच एक बात आपको बताना चाहेंगे, क्या आपको पता है सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं, साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयां बनाने के काम में आता है। तो आप समझ कर देखिए कि चाइना किस हद तक गिर सकता है अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। बस बात यहीं नहीं रुकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन के लोग लाखों की संख्या में जहरीले सांपों की खेती करते हैं। चीन में एक गाँव है जहाँ हर साल 30 लाख से भी अधिक जहरीले सांप पाले जाते हैं और पैदा भी किए जाते हैं। इस गाँव का नाम है जिसी कियाओ। यहाँ स्नेक फार्मिंग की जाती है, लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन चाइना वालों का ये जो रूप है आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ जानवरों पर क्रूरता के मामले में चीन का नाम सबसे ऊपर ही आना चाहिए और आता भी है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल उतार ली जाती है, इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताजा बना रहता है जिसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। अब देख लीजिए चीनी जो है वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ते प्रोटीन के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी की इतनी इंतहा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुत्ते बिल्लियों का मांस अन्य जानवरों की तुलना में काफी सस्ता मिलता है चीन में। तो चीन में हर एक रेस्टोरेंट में आपको कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाएगा, ये चीज आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। देश की तरक्की की बात करें तो चाइना दिन रात तरक्की कर राह पर चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने का सामान, चाइना हर चीज की कॉपी करने में सक्षम है और यही कारण है कि चाइना आज इतने बड़े लेवल पे खड़ा है, उसकी जीडीपी शोर मचा रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक तो ठीक था, मगर खाने पीने की चीजों की कॉपी, ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं लग रहा आपको? ये बात शायद आपको कुछ हजम नहीं हुई होगी, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चाइना में बहुत से ऐसे कारखाने खुले हुए हैं जिनका काम है डुप्लीकेट खाने की चीजें बनाना, ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं और अवैध मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भारत में भी सप्लाई हो गए थे जिनके बारे में आपने नाना प्रकार के मीडियाज जैसे कि टेलीविजन चैनल्स, अखबारों और दूसरे माध्यमों से आपको इनकी जानकारी हुई होगी। लेकिन आज एक बार फिर हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके सामने चाइना के इस गंदे कारोबार का राज आपके सामने खोलेंगे। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपकी आंखें खोल देगा। ये देखिए सर क्या दिख रहा है आपको सामने, आपको लग रहा होगा कि कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, मगर दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को देखिए सर गौर से। इन प्लास्टिक की परतों से पहली प्लास्टिक का रेशा बनाया जा रहा है और उसके बाद ये बन रहे हैं प्लास्टिक के चावल। दोस्तों प्लास्टिक के चावल और असली चावलों में फर्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात है क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर ऐसे किसी चावल का आपने खा लिया, यानी कि अगर आपने एक कटोरी नकली चावल खाया तो समझ लीजिए कि आप एक कटोरी प्लास्टिक ही खा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि और भी बहुत सारे राज खुलने बाकी। चलिए अब जरा ये वीडियो देखते हैं, देखिए कैसे नकली अंडे बनाए जा रहे हैं, वो भी केमिकल के प्रयोग से, उन केमिकल के प्रयोग से जो शरीर को बुरी तरीके से क्षति पहुंचा सकते हैं और शरीर को बीमारियों के जाल में फंसा सकते हैं। इन अंडों के बीच का ये पीला भाग देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक से बनाया गया जो हमारे शरीर का क्या हाल करेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इसी तरह ये वीडियो भी देखिए जरा, चाइना में लगभग हर वो चीज डुप्लीकेट हो रही है जिसे आसानी से नकली बनाया जा सकता है और उसकी खपत भी ज्यादा होती है। प्लास्टिक की बनी ये बंद गोभी बिल्कुल भी असली नजर आ रही होगी आपको, लेकिन अगर इसे जलाया जाए, थोड़ा गर्म करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक के पत्ते खींचने लगे, इस तकनीक से चाइना में नकली मीट भी बनाया जा रहा है। या सोच के आप खुद देखिए कितनी खतरनाक बात है, आप नकली मीट कैसे बना सकते हैं, नकली मीट बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको इन चीजों को खाकर
कोई सेहतमंद रह पाएगा। अब जरा इन अंगूरों को ही देख लीजिए, क्या आप कह सकते हैं कि ये नकली हैं? मगर जरा देखिए, ये अंगूर भी आपको धोखा दे रहे हैं। चाइना में इन्हीं अंगूरों को अगर आप देखेंगे तो ये बनाते हैं वहां पर नकली अंगूर और उसे सप्लाई कर देते हैं पड़ोसी देशों में जैसे कि भारत, और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं और अंदर ही हमारे शरीर का क्या हाल करते हैं ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हमारे हिसाब से देश की जीडीपी का जो हो रहा है सो हो रहा है, और एक न एक दिन ये सुधरेगी क्योंकि देश युवा है, और देश की इस युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करना जरूरी है। एक दिन ये होगा, कोई तो होगा जो ये करेगा, जब भी करेगा तो देश की जीडीपी वापस बराबर के लेवल पर आ जाएगी। लेकिन चाइना जैसे देश जो कर रहे हैं सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, वो आपकी नजर में किस हद तक सही है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ना आप लोगों को जायज लगता है? क्या चाइना में जो आंख फोड़वा कांड हो रहा है, लगातार चाइना में लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्या ये तरीका, ये सलीका सही है किसी देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए, दुनिया की नंबर वन जीडीपी पाने के लिए? क्या इस तरीका सही है? क्या सक्सेसफुल होने के लिए आदमी अपना जमीर बेच दे और नकली कामों को करने पर आमादा हो जाए? क्या ये सही है? अगर ये प्रोग्रेस है तो हम तो ये कहेंगे हमारा देश पिछड़ा ही सही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।